कारवां टीवी हर पल आपके साथ। पश्चिमी यूपी जोन के पदाधिकारियों के साथ बरेली में समीक्षा बैठक करने पहुंचे कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश की योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला। अजय लल्लू ने कहा कि राज्य में बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा भगवान भरोसे है, रेप और हमले की घटनाएं यूपी में जंगल राज के हालात बयां कर रही हैं। विरोध में आवाज उठा रहे विपक्षी नेताओं पर भाजपा पुलिस के जरिए लाठियां बरसा रही है और बेवजह उनको जेल भेज रही है। सरकार कुछ भी कर ले मगर विरोध की आवाज दबा नहीं पाएगी। कांग्रेसी न लाठी गोली से डरेंगे न जेल जाने से। बुधवार को बरेली में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जुल्म की शिकार महिलाएं लखनऊ में सरकार की आंखों के सामने खुद को आग लगा रही हैं, मगर उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। चित्रकूट में एक बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। परिवार की मदद की जगह सरकार मामले को दबाने में जुटी नजर आई। बेटियों पर तेजाब उड़ेला जा रहा है, अत्याचार हो रहे हैं। पूर्वांचल से पश्चिमी यूपी तक जनता खुद को असहाय महसूस कर रही है। ये जंगल राज नहीं तो और क्या है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके अधिकारी सिवाय बैठक करने के कुछ नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी सरकार घमंड में डूबी है। अजय लल्लू ने कहा कि राज्य के इतने खराब हालात कभी नहीं रहे, जनता की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश की कांग्रेस जन विरोधी सरकार के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष कर रही है। पार्टी के बड़े से छोटे नेता तक सभी पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। कांग्रेस गांव, गरीब, खेत खलियान, शहर तक संघर्ष जारी रखेगी। 62,000 कांग्रेसियों ने हाल में सरकार की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने पर अरेस्टिंग दे चुके हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू बोले भाजपा सरकार ने उनको सिर्फ इसलिए जेल भेजा क्योंकि वो जनता के हक की आवाज उठा रहे थे। अगर जनता का साथ उठाना जुल्म है तो फिर वो जेल जाने को तैयार हैं। बरेली से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। आज मैं मंडल की समीक्षा बैठक करने आया हूँ। हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश को लगभग 4 जोनों में बांट रखा है। आज इस पश्चिम जोन की बैठक में मैं आया हूँ। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, प्रदेश के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष संगठन, शहर के अध्यक्ष और शहर के उपाध्यक्ष संगठन, ये सभी लोग हम लोग जो हमारा संगठन विस्तार कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत पिछले समयों में जिला कांग्रेस कमेटी बनाई, सबकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की, साथ ही साथ पुनः हम लोगों ने ये तय किया है कि ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक सृजन अभियान के अंतर्गत ब्लॉक की कमेटी बनाना और ब्लॉक के बाद न्याय पंचायत बनाना और ग्राम सभा बनाना, जिसका लक्ष्य हम लोगों ने दिसंबर तक रखा है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारी क्या तैयारी है, कितनी बैठकें हो चुकी हैं ब्लॉक सृजन के अंतर्गत और हम अभी कहाँ तक पहुँचे, उसी की समीक्षा बैठक हम करने आए हैं। आदरणीय प्रियंका गांधी जी का निश्चित उद्देश्य है कि दिसंबर तक हर कीमत पर हमें ग्राम सभा कमेटी का गठन कर लेना है। उस परिप्रेक्ष्य को पूरा करते हुए, एक निश्चित लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए, संगठन को मजबूती करना, संगठन को धारदार बनाना, संगठन को मजबूत बनाना और संगठन रूपी मजबूती के साथ आने वाले 2022 के चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में लाना, ये हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी का हम निर्वहन करने का प्रयास कर रहे हैं। चेहरा कांग्रेस का कौन होगा? देखिए, इसका तो आदरणीय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो समिति बनी हुई है, वो केंद्रीय समिति, वो तय करेगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। लेकिन पूरे प्रदेश की जनता का, पूरे हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का आशा और एक विश्वास, और जिस तरह आदरणीय प्रियंका गांधी जी सड़कों पर लगातार जनता के विषयों पर, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, कानून व्यवस्था हो, किसानों या बेरोजगारी पर, या हर एक उत्तर प्रदेश की समस्याओं पर मुखर होकर सड़कों पर लाठी खा रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, जेल जा रही हैं, पूरे लोगों की मंशा है कि वो नेतृत्व करें। अब केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा वही चेहरा होगा। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है लगातार दंभ भर रही है, रोज बैठकें होती हैं, मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करते हैं, गृह विभाग के प्रमुख सचिव गृह समीक्षा बैठक करते हैं, आवश्यक
जनपदों में भी प्रभारी मंत्री लोग जाकर बैठकें करते हैं। और बैठक का नतीजा क्या है, सिफर है। कल ही चित्रकूट में जिस तरह एक बेटी के साथ दुराचार होता है, पेड़ पर लटका दिया जाता है, न्याय की आस में वह थाने का चक्कर लगाती है, जिला अधिकारियों के पास जाती है, जिले के अधिकारियों के पास, परिवार लगातार न्याय की गुहार लगाता है, जहां सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए थी, सरकार मदद के बजाय पूरी तरह उन लोग को उपेक्षित रखती है, जिसका नतीजा होता है वो बहन आत्मदाह कर लेती है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जिस तरह लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार और शोषण हो रहा है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो गया है, भय का माहौल है, उत्तर प्रदेश जंगल राज में तब्दील हो गया है। तीन गोंडा में बहनों के ऊपर तेजाब से जलाने का मामला, लखनऊ के कार्यालय के बाहर एक महिला का आत्मदाह करना, उसमें हमारे पार्टी के नेता को फर्जी रूप से फंसाने की कोशिश करना, उन्हें जेल भेजना, ये हताशा और निराशा। उत्तर प्रदेश जंगल राज में तब्दील हो चुका है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, सरकार अपराधी और अधिकारी मस्त हैं, जनता पूरी तरह त्रस्त है। इसके साथ मिलके लड़ेंगे अगला चुनाव, अब क्या फार्मूला, एजेंडा क्या होगा, जनता के बीच में क्या लेके आएंगे चुनाव? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम समझौता किसानों से करेंगे, नौजवानों से करेंगे, गरीबों से करेंगे, शोषितों से करेंगे, वंचितों से करेंगे, आम लोगों से करेंगे, उत्तर प्रदेश की समस्याओं से समझौता करेंगे। और निश्चित रूप से हमें भरोसा और विश्वास है, कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा और 22 में हम पूर्ण बहुमत में आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। मुझे लगता है कि मैं आज 6वीं बार आ रहा हूँ इस रोहिलखंड में, और पार्टी के नेता आते जाते रहते हैं लगातार, प्रदेश महासचिव उपाध्यक्ष रोज दौरे पर हैं, दौरा इसको नहीं कह सकते, हम अपने घर में आए, ये हमारा घर है। बरेली का आमजन एक बार प्रियंका को अपने बीच देखना चाहता। बिल्कुल आएंगी, और मुझे लगता है कि दिसंबर के बाद वो जनपद जनपद अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगी, जनपद के लोगों से संवाद करेंगी, और निश्चित रूप से गाँव खेत खलिहान गरीब मजदूर किसान के बीच में रहकर जनता की मुखर होकर आवाज़ बनेंगी। और आपने देखा होगा सड़कों पर लाठी खाने में कोई गुरेज नहीं, जेल जाने में आदरणीय प्रियंका गांधी जी को गुरेज नहीं, और जिस तरह उत्तर प्रदेश में आज वर्तमान सरकार के तानाशाही के खिलाफ लगभग 62,000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी है, 7,000 से अधिक कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लिखे गए हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के कई नेता जेल जा चुके, अभी हमारा एक प्रवक्ता अनिल अनूप पटेल जेल में है, मुख्यमंत्री के खिलाफ पोस्टर लगाने में एक हमारा शैलेंद्र तिवारी जेल में है, कल हमारे एक साथी दलित कांग्रेस के चेयरमैन आलोक प्रसाद को फर्जी तरीके से मुकदमा लिखकर ये सरकार जेल भेजी, मुझे जेल भेजा, हमारे माइनॉरिटी के चेयरमैन को जेल भेजा, शाहनवाज आलम को, NSY के अध्यक्ष अनस रहमान को जेल भेजा। जेल से कांग्रेस का कार्यकर्ता अब डरने वाला नहीं, लाठी भी खाएगा, सर भी फोड़वाएगा, लेकिन मजबूती के साथ इस सरकार के तानाशाही के खिलाफ, महिला सुरक्षा को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर, नौजवानों के रोजगार के मुद्दों को लेकर सड़कों पर संघर्ष जारी रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।